जो रांची से आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रांची से, जहां पर ईडी को हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। अब उन सारे सवालों के जवाब हेमंत सोरेन से पूछे जाएंगे जो समन्स जारी होने के बाद ईडी नहीं पूछ पाई थी, क्योंकि 5 से ज्यादा बार समन जो है वो जारी किया गया था हेमंत सोरेन को। लेकिन आखिरकार जब ईडी के सामने हेमंत सोरेन पेश हुए तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि पहले मैं इस्तीफा दूंगा और उसके बाद मैं सवालों का जवाब दूंगा।